साइंटिस्ट जो है जानदारों के बारे में पढ़ते हैं उनको बायोलॉजिस्ट कहते हैं बायोलॉजिस्ट जो है उनको डिफरेंट ग्रुप्स में रखते हैं जिनको हम क्लासिफिकेशन कहते हैं ऑल लिविंग थिंग्स को जो है वो एक खास ग्रुप में डिवाइड किया जाता है उनको हम किंगडम कहते हैं किंगडम जो है वो बहुत हीज ग्रुप होते हैं इनके दो मेन किंगडम जो है वो प्लाट्स और एनिमल्स हैं बॉटनिस ने जो है अभी तक एक मिलियन से ज़्यादा जानवर और थ्री फिफ्टी थाउजेंड से ज़्यादा जो है वो प्लांट्स डिस्कवर किए हैं साइंटिस्ट ने जो है किंगडम्स को मदी स्मॉलर ग्रुप में डिवाइड किया जिससे हमें इनको पढ़ने में आसानी होती है सबसे पहले वायरस वायरस जो है वो बहुत ही सिंपलेस्ट और स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिजम्स हैं ये जो है मे आँख से नजर आते इनको देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है ये खास किस्म के केमिकल से मिलकर बना हुआ होता है साइंटिस्ट को मानना है कि वायरस जो है वो जिंदा नहीं होते ये जब किसी लिविंग बॉडी यानी एनिमल्स प्लांट्स में एंटर होते हैं तो ये वहाँ जाके अपने सेल मटेरियल को जो है इंजेक्ट करते हैं और उसकी मदद मतलब से ही हंड्रेड ऑफ कॉपीज़ बना लेते हैं ये हेल्दी सेल्स को डैमेज करके पौधों और जानवरों में बीमारियाँ काज करते हैं वायरस जो है वो इंसानों में कॉमन कोल्ड इन्फ्लुएंजा और कैंसर जैसी बीमारियाँ काज करते हैं उस पर प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट जो है वो स्मॉल लिविंग थिंग्स है जो कि हम आसानी से जो इनको पौधों और जानवरों में नहीं रख सकते अमीबा जो ये सिंगल सेल प्रोटेस्ट हैं जो कि पानी में रहते हैं ये पानी में जैसे मेरी की मदद से अपनी खुराक को जो है वो हासिल करते हैं पैरामिशियम जो ये प्रोटेस्ट हैं इनमें हेयर लाइक थ्रेड्स होते हैं जिनको हम सीलिया कहते हैं सीलिया इनको पानी में स्विम करने में हेल्प आउट करता है उसके बाद इनमें जो है माउथ और स्टमक मौजूद होता है जिनकी डाइजेशन में हेल्प करता है नो पेज नंबर फोर यूगलिना जो है ये काइंड ऑफ प्रोटेस्ट हैं इनमें जो है फूड जो है वो सनलाइट की मदद से ये बनाते हैं जैसे कि पौधे बनाते हैं इनमें आई स्पॉट्स मौजूद होती हैं जिसकी मदद से ये रोशनी और साई में जो है वो फर्क करते हैं इनमें जो है वाइपलाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको हम जो फ्लैजम कहते हैं जो इनकी मूवमेंट में हेल्प करता है पानी के अंदर उसके बाद बैक्टीरिया बैक्टीरिया को हम सिंगुलर बैक्टेरियम कहते हैं ये स्मॉल लिविंग थिंग्स होते हैं जो कि सिर्फ सिंगल सेल से मिलकर बने हुए होते हैं कुछ जो हैं बैक्टीरिया वो अपनी खुराकों तैयार करते हैं बैक्टीरिया जो है वो हवा पानी और सतह ज़मीन पर रहते हैं बैक्टीरिया जो है वो हमारी स्किन माउथ के अंदर नोज़ और लंग्स वगैरह में पाए जाते हैं बैक्टीरिया जो है वो थिक सेल मेंब्रेन से सराउंड होते हैं इनके वेरियस टाइप्स होते हैं जैसे राउंड एलोगेटेसर बैक्टीरिया जो हमारे पास यूजफुल होते हैं ये हमारे विटामिन बनाने चीज़ और योगर्ट बनाने में हेल्प करते हैं कुछ बैक्टीरिया हार्मफुल होते हैं और बीमारियाँ काज करते हैं जैसे ट्यूबर क्लस टाइफेड फेयर कलरा उसके बाद प्लांट किंगडम वो साइंटिस्ट जो पौधों की स्टडी करते हैं उनको हम बॉटनिक्स कहते हैं बॉटनिस्ट जो है प्लांट को चार हिस्सों में तकसीम करते हैं सबसे पहले है एल जी एंड फंजाई सेकेंड मोसिस एंड लिवर्स थर्ड फन क्लब मोसिस एंड हॉस्टाइल्स और फोर्थ जो है वो सीड बेयरिंग प्लांट्स है सबसे पहले एल जी एल जी जो है सोमुल एल्गा कहते हैं ये जो है पानी में रहते हैं एलजा जो है जो है सरफेस ऑफ वाटर जो है वो समुद्रों और झीलों की सतह पर रहते हैं क्लोरोकोकम जो है ये सिंगल सेल हल्का हैं जो कि ट्रीज और डैम वॉल्स में रहते हैं क्लेमेटोमोनास जो है सिंगल सेल्ड हैं ये जो है पानी में तैरते हैं वोवक्स जो है ये कॉलोनीज की सूरत में फ्रेश वाटर में रहते हैं स्पायर जो एल्गा की टाइप है ये मूव नहीं कर सकते सी वीट जो है ये भी एल जी हैं इनमें जो है डिफरेंट शेप साइजेस और कलर्स होते हैं पेज नंबर फाइव को एल जी की डायग्राम्स नज़र आ रही होंगी उसके बाद फंजाया फंजाए मोल्ड मशरूम टोट स्टोल्स और पॉपवॉल जो हैं ये फंजाई के एग्जांपल्स हैं फंजाई जो है ये प्लांट्स हैं लेकिन ये नॉन ग्रीन पार्ट हैं इनमें जो क्लोरोफिल जो कि अपनी खुराक तैयार करने में मदद करता है वो मौजूद नहीं है फंजाई जो है ये डार्क डैम प्लेसेस में ग्रो करते हैं ये जो है डेड और रोटिंग प्लांट से जो है अपनी खुराक हासिल करते हैं कुछ फंजाई जो पैरासाइट्स हैं वो लिविंग थिंग्स से और लिविंग प्लाट्स से जो है लिविंग एनिमल से अपनी खुराक हासिल करते हैं फंजाई में जो है थिन थ्रेड्स होते हैं जिनको हम हाइफी कहते हैं ये लिविंग और डिकेइंग थिंग्स को जो है इनकी तोड़ने में और खुराक हासिल करने में मदद करते हैं नॉबेन नंबर सिक्स यहाँ पे जो है कुछ कॉमन स्किन डिजीज बताई गई हैं जो कि फंजाई की वजह से कॉज होती हैं जैसे कि फुट एथलीट स्केबीज रिंग फॉर्म्स ये फनजाई की वजह से कॉज होती हैं लाइक उसके बाद लाइक वो प्लांट्स है जो कि फंजाई और एलजा के एल जी के मिलने से बनते हैं फनजाई को जो है फूड की जरूरत होती है जो कि उसको एल जी प्रोवाइड करती है और एल जी को प्रोटेक्शन की जरूरत होती है फंजाई प्रोवाइड करता है ये जो है हार्श और डैम प्लेसेस में भी मूव करते हैं ये मॉइस कंडीशन में मोस्टली सर्वाइव करते हैं ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक जो है जिंदा रह सकते हैं मोसफ लाइकन्स जो हैं ये एयर लूशन सेंसिटिव होते हैं इसलिए ये ज़्यादातर फ्रेश और क्लीनेस्ट एयर में मौजूद होते हैं मोसिस और लिबर्ड्स मोसिस जो हैं ये मोस्ट शेडी प्लेस में रहते हैं मोसेस जो फ्यू सेंटीमीटर टॉल होते हैं इनमें छोटे लीव्स और टाइनी किस्म के ग्रीन लीव्स और स्टेम्स होती हैं इनमें हेयर्स होते हैं जिनको ग्राउंड में जुड़े रहने के लिए मदद करते हैं इनमें जो है वो कैप्सल्स जो है वहाँ पे स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं जिनकी मदद से ये ग्रो करते हैं पेज नंबर सेवन लिवर्स में जो है वो लीफ लाइक मोसेज मौजूद होते हैं इनमें फ्लैट ब्रांचेस होती हैं ये भी जो है स्पोर्स की मदद से प्रोड्यूस करते हैं फंस फंस जो है ये डैम प्लेसेस में और शेडी प्लेसेस में ग्रो करते हैं इनमें टाइनी ट्यूब्स होती हैं और स्टेम्स और लीव्स होते हैं इनकी जो ट्यूब्स हैं वो फूड कैरी करती हैं पानी की मदद से एक जगह से दूसरी जगह इनके लीव्स जो है वो एक ख़ास पैटर्न में होते हैं जिनको हम फ्रॉन्स कहते हैं फ्रॉन्स जो है वो डिवाइड होते हैं लीफ लाइट्स में लीफ लाइट्स जो है वो मजीद ग्रो करते हैं इनमें पोरंजिया जो है स्पेशल पोर्स मौजूद होते हैं जिनकी मदद से ये जो है स्पॉट्स प्रोड्यूस करते हैं और जिससे ये न्यू प्लांट तो में ग्रो करते हैं उसके बाद सीड बेयरिंग प्लांट्स उनमें हमारे पास जिम्नोसम है जिम्नोस्पर्म जो है ये नॉन फ्लावरिंग सीड बेयरिंग प्लांट्स हैं इनमें जो है डिप वेल डिवेल्प रूट्स स्टेम्स और लीव्स मौजूद होती हैं इनमें नीडल लाइक लीव्स होते हैं ये जो है सीड्स जो है इनमें उनके स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम कौनस कहते हैं साइकल्स और पाइनस जो है इसकी मिसाल है पेज नंबर एट एनजियम एनजियम जो है हमारे पास सीड बेयरिंग फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं इनमें जो है वेली डिवेलप्ड रूट्स और लीव्स होते हैं ये क्लासिफाइड होते हैं टू ग्रुप्स में मोनोकोटिलेडन और डाइकोटिलेडन मोनोकोटिलेडन में जो है वो यूजुअली जो है लीव्स जो हैं वो मल्टीपल ऑफ थ्री होते हैं इनके लीव्स जो हैं वो वेन्स की सूरत में पैरेलल होते हैं मोनोकोटिलेडन की एग्जाम्पल में जो है हमारे पास स्वीट राइस और मेज़ आता है आगे डाइकोटिलइड प्लांट जो हैं इनके फ्लोरल पार्ट्स जो हैं वो यूजली अरेंज होते हैं फोर और फाइव के मल्टीपल्स में इनके जो लीव्स हैं वो वेन अरेंज प्लान नेटवर्क में होते हैं डाइकोटिलइड जो हैं इनमें रूट्स और स्टेम्स होती हैं इनके सीड्स जो हैं उनमें टू लीव्स होते हैं इनके कॉमन एग्जाम्पल में जो है वो है बिस्कस पीस बीन्स और कैस्ट्रोल प्लांट हैं पेज नंबर नाइन एनिमल किंगडम एनिमल किंगडम जो उनको है उनको तो टू मेन ग्रुप्स में क्लासीफाई किया जाता है वर्टीप्रेड्स वो एनिमल वर्टीब्रेड्स वो एनिमल्स हैं जिनमें जो है बैक बोस रीड कैडी पाई जाती है इनवर्टिब्रेड्स जो है वो एनिमल्स हैं जिनमें बैक बोन यानी रीड कैडी नहीं पाई जाती सबसे पहले हमारे पास इनवर्टीब्रेड्स है साइंटिस्ट ने जो अभी तक मिलियंस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो, जो इनवर्टिब्रेड्स हैं उनके बारे में पढ़ा है सबसे पहले नंबर पर स्पॉजे स्पॉन्जे जो है ये अंडर वाटर इवर्टीब्रेड्स हैं इनमें हेड आर्म्स और लेग्स वगैरह मौजूद नहीं होती हैं ये जो एक जगह पर जुड़े रहते हैं रॉक्स के साथ या प्लांट्स के साथ ये जो ज़्यादा पानी अपने अंदर लेके जाते हैं ऑस्टियन में स्मॉल पोर्स होते हैं जो कि फ़ूड एब्जॉर्ब करते हैं ऑस्कुलम जो है वो इनका माउथ लाइक होल होता है जिसके जरिए से ये जो है वाटर में से फूड एब्जॉर्ब करके बाकी पानी को उस होल के जरिए निकाल देते हैं कॉलन ट्रेट्स जेली और कोरल्स जो हैं ये एक ग्रूप ऑफ इन्वर्टीप्रेट्स हैं जिनको हम कॉलन ट्रेट्स कहते हैं जेली फ़िश जो है इनकी बॉडी सोलो होती हैं जेली फिश जो है अम्ब्रेला की तरह होती है इसमें आर्म्स होती हैं जिसको हम टेंटेकल्स कहते हैं कोरल जो है ये सी में जो है रहते हैं ये अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर सकते हैं जिन जिन एरिया में ये अपनी बॉडी स्ट्रैच करते हैं उनको रीव्स कहते हैं रीफ्स जो है ये कलरफुल पार्ट्स हैं इनमें मिलियन ऑफ इंडिविजुअल्स जो हैं कोरल एनिमल्स जिनको हम पॉलिप्स कहते हैं पॉलिप्स जो है वो इनको एक रीफ से दूसरी रीफ में अटैच होने में मदद करते हैं पॉलिप्स जो है वो टाइनी प्लांट्स को खाते हैं उसके बाद मेरे पास वाम्स हैं वार्म जो हैं सॉफ्ट इंपॉडेड होते हैं इनमें लेग्स होती हैं ये पानी में रहते हैं और लैंड में भी रहते हैं वाम्स जो हैं वो इनसाइड एनिमल्स प्लांट्स और ह्यूमन भी रहते हैं मोस्ट जो लीचेज हैं इनको हम टू सेक्शंस में डिवाइड पेज नंबर टेन उन सेक्शंस को हम जो है वो सेगमेंट्स कहते हैं लीचेस जो हैं ये पानी में रहती हैं लीचेस जो हैं इनके एक एंड पे सक्कर होते हैं जिनके जरिए ये पानी में मौजूद पौधों और जानवरों से खुराक हासिल करते हैं फ्लैट फॉर्म्स जो हैं ये लॉन्ग रिबन शेप में होते हैं टैप फॉर्म जो है वो इन साइड ह्यूमन बॉडीज़ रहते हैं और ये जो हैं सीरियस इलनेस काज करते हैं अकाइनोडर्म्स में जो है स्टार फिट सी अर्चन सी कोकम्बर जो इन हैं इनको मकाइनोडर्म्स कहते हैं इनमें स्पाइन स्किल स्किन होती है स्टार जो है वो हंड्रेड ऑफ टाइनी ट्यूब से कवर होती है जिसको हम ट्यूब फीट कहते हैं ट्यूब फीट की मदद मतलब से वो अपनी खुराक हासिल करती है ये जो है रॉक्स और शेल्स में इनको जोड़ने में भी हेल्प करते हैं स्टार जो है इसी ट्यूब फीट की मदद मतलब से जो है ऑक्सीजन को समुद्री पानी से अपने जैसे मैं जॉक होती है उसके बाद मलिस्लिस जो है इनवर्टीब्लेट्स हैं इनमें सॉफ्ट बॉडीज होती हैं इनमें बॉन्स नहीं होती हैं मलिसकस जो है ये हार्ड शेल आउटर कवरिंग से प्रोटेक्ट करते हैं अपनी बॉडी को कुछ मलिकस जो है जैसे कटल फिश और स्कोड इनमें जो है शेल बॉडी के अंदर ग्रो करते हैं ऑक्टोपस जो है ये मिलुस्किस ही वो टाइप है जिसमें कोई शेल मौजूद नहीं होता कुछ मिलिसकिस जो हैं वो पानी के अंदर रहते हैं और कुछ ज़मीन पर रहते हैं उसके बाद आर्थोपोट्स हैं बीटल बटरफ्लाई क्रैब स्पाइडर्स जो हैं ये लार्ज ग्रुप ऑफ आर्थोपोर्ट्स हैं उनसे बिलोंग करते हैं आर्थोपोर्ट्स हैं इसमें एनिमल्स जो हैं इनमें जॉइंटेड लेग्स होती हैं जो बॉडीज को इनकी बॉडीज को हम सेक्शन सेपरेट सेक्शंस में डिवाइड करते हैं जिनमें हार्ड आउटर कवरिंग होती है जिसको हम एक्जोस्कैल्टन कहते हैं सेंटी और मेली पेड्स जो है ये आर्थोपोर्ट्स हैं इनकी बॉडी जो है डिवाइड होती है सेगमेंट्स में ई सेगमेंट जो है उसमें दो से एक से दो पेयर होते हैं टांगों के उसके बाद स्पाइडर्स और स्कॉर्पियोज हैं ये आर्थोपोर्ड्स की टाइप्स हैं इनको आर्कनाइट्स कहते हैं इनमें जो है आठ टांगे होती हैं नेक्स्ट पेज नंबर इंसेक्ट्स इंसेक्ट्स जैसे कि बटरफ्लाइज बीज कॉकरोच इनमें छह टांगे होती हैं क्रैप्स लोबोस्टर्स चिम्स और वाटर फ्लीस जो हैं इनमें सेवरल पेयर्स ऑफ लेग्स होती हैं उसके बाद वर्टी ब्रेड्स हैं इनको हम क्लासीफाई करते हैं पाँच डिफरेंट ग्रुप्स नंबर वन में फिश है फिश जो है वो वर्टी ब्रेड्स वर्टी ब्रेड्स की वो टाइप है जो कि पानी में रहती है फ़िश जो है वो गिल्स के जरिए ब्रीथ करती है इनकी स्किड जो है वो स्केल से कवर होती है फ़िश जो है फिन की मदद से स्विम करते हैं फ़िश में जो है यंग सॉफ्ट एग्स होते हैं जिनको हम स्पॉन कहते हैं आगे एम्फीबियन एम्फीबियन भी वर्टीब्रेड की टाइप्स हैं ये जो है मोस्टली लैंड पे भी रहते हैं जो छोटे यंग एम्फीबियंस हैं वो गिल्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं और जब ये बड़े होते जाते हैं तो इनमें जो है लंग्स डिवेलप हो जाते हैं और ये लैंड पर जो है वो लंग्स के ज़रिए ब्रीथ करते हैं कुछ एम्फीबियंस जो हैं वो उनमें स्मूथ स्किन होती है जो कि उनकी रिस्पेरेशन में हेल्प करती है इनमें थिक स्लिमी सब्सटेंस होता है जिसको हम यूकस कहते हैं जो कि इनकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है मॉइस से एम्फीबियन जो हैं इनके एग्स को हम स्वान कहते हैं ये सॉफ्ट होते हैं क्योंकि इनमें शेल नहीं होती कॉमन पेज नंबर ट्वेल्व रेप्टल्स लिजर्ड स्नैक्स और कर्टाइल्स एलिगेटर्स टर्टल्स और टोटास जो हैं है। ये हमारे पास रेप्टल्स हैं इनमें ड्राई स्केली स्किन होते हैं जिनके जरिए ये ब्रीथ करते हैं इनके एग्स जो हैं वो ये एग्स लैंड पे ले करते हैं इनके एग्स जो हैं कुछ रेप्टल्स में उनमें जो है, उन है लेदरी शेल होता है ये सॉफ्ट हार्ड होते हैं इनके एग्स जो हैं वो बर्ड्स की तरह होते हैं उसके बाद है बर्ड्स बर्ड्स जो हैं ये वो एनिमल्स हैं जिनमें फ़ीदर्स पाए जाते हैं तमाम बर्ड्स में जो है विंग्स होती हैं जिनके ज़रिए से ये फ्लाई करते हैं कुछ बर्ड्स जो हैं वो ट्रैवल करते हैं एनिमल्स की तरह बर्ड्स जो है वो लंग्स के जरिए ब्रीथ करते हैं तमाम बर्ड्स जो हैं वो एग से रिप्रोड्यूस होते हैं फीमेल बर्ड्स जो हैं वो एग ले करती हैं नेस्ट में पेरेंट बर्ड जो हैं वो अपने बच्चों को फीड करते हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं उनकी लुक आफ्टर करते हैं उसके बाद मैमल्स कैट डॉग्स हॉर्स मंकी जराफी एलिफेंट वेल्स डॉल्फिन ये सारे मैमल्स में आ जाते हैं मोस्ट मैमल्स जो हैं वो फर और हेयर से कवर होते हैं ये जो है लंग्स के जरिए ब्रीथ करते हैं फीमेल मैमल्स जो हैं वो अपने नए बच्चों को जो है रिप्रोड्यूस करती हैं और उनकी खुराक का जरिया जो है वो दूध होता है नेक्स्ट हमारे पास है प्री हिस्टोरिक वर्टीब्रेड्स प्री हिस्टोरिक वर्टीब्रेड्स का मतलब है वो जानवर जो कि मिलियंस ऑफ ईयर्स यानी हज़ारों साल पहले करोड़ों साल पहले जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं जैसे एक्सटिंक्शन एक्सटिंक्शन में जो, 65 ago, जो है सिक्सटी फाइव मिलियंस ईयरस को जॉइंट रेप्टाइल्स जो हैं ये एक्सटेंट हो चुके हैं साइंटिस्ट का मानना है ये जो है ये इतने बड़े थे कि इनको जो है हाइबरनेट हाइबरनेट एक कंडीशन होती है जिसमें आप विंटर में जो है वो स्लीप यानी सो जाते हैं हाइबरनेट करने में या इनको अपने आप को अपने जिस्म को छुपाने के लिए कोई जगह ना मिली जिसकी वजह से जो है ये ख़त्म हो चुके हैं इनको अब हम जो है वो फॉसिल तसवर करते हैं